अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में हम एरन करेंगे डेटा एंट्री जॉब्स। डेटा एंट्री जॉब्स बेसिकली आपको डेटा एंट्री के लिए प्रोजेक्ट्स देंगे, वो प्रोजेक्ट्स आप उनको कंप्लीट करके दोगे तो वो जो है ना आप फिर उसके ऊपर आपकी अर्निंग होगी। लेकिन ये अर्निंग बहुत हार्ड जॉब होती है। इस हार्ड जॉब के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, नेट कनेक्शन होना चाहिए, आप ऑनलाइन डेटा एंट्री कर सको और आपको जो है ना पेमेंट हो पाए। इसके लिए हम जाकर गूगल में टाइप करेंगे, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पर मैं आकर टाइप करूँगा डेटा एंट्री। जॉब्स ऑनलाइन, तो इसके लिए प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। आप डेटा एंट्री जॉब्स प्रोजेक्ट लिखोगे तो वो भी आ जाएगा, LUFIC। तो ऑल यू डेटा एंट्री जॉब्स, यू वर्क डेटा एंट्री जॉब्स, ये दो वेबसाइट्स आ रही हैं ऑल यू। तो इस पर जाकर आप साइन अप करोगे, साइन अप कर फिर वहाँ से प्रोजेक्ट ले लोगे। 14 ऑनलाइन जॉब्स दैट रियली पे, ओके कौन कौन हैं वो, ये आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म वर्चुअल असिस्टेंट, वेब रिसर्च कंटेंट जनरेटर, ये डेटा एंट्रीज के प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आप इनसे प्रोजेक्ट उठाओ और काम करो। ठीक है, कंपनीज ऑलवेज जो, ठीक है ठीक है ठीक है, जॉब एग्जिस्ट डिमांड ऑन द स्कैम्स, ये एक वेबसाइट पे दे रहा है होम विथ द किड्स, ये अच्छी वेबसाइट दे रहा है, क्या कह रहा है कि आप इस पर जाओ और अर्निंग करो। ओके, तो डेटा एंट्री के हवाले से मैंने कुछ लिंक्स ऐड कर दिए हैं वो लिंक्स के फोल्डर में अपने ऑनलाइन अर्निंग में। आप वो लिंक्स जाकर सर्च कीजिएगा, बेस्ट लिंक्स होंगी, इंशाल्लाह ताला आपको डेटा एंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। ओके ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा होगा एरन विथ स्किल्स। फ्रीलांस, ओडेस्क एंड ईलांस, ये तीन बड़ी वेबसाइट्स हैं। अगर आपको कोई, आपके पास कोई स्किल है, आपके पास अगर आपको इंग्लिश में, यू आर फीलिंग वेरी बेटर देन यू कैन स्पीक वेरी वेल, यू कैन गो अहेड एंड फ्री प्लेटफॉर्म फॉर योर फ्रीलांस ओडेस्क ईलांस, वहाँ जाकर आप इंग्लिश भी आप पर जॉब्स ले सकते हो। थाउजेंड्स बिलियंस ऑफ जॉब्स अवेलेबल होंगी स्किल्स के बिहाव पर। अगर आपको कोई भी स्किल आ रही हो, टेक्नोलॉजी के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, कॉल सेंटर के हवाले से, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह वगैरह, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप करूँगा ईलांस, ये देखो ये है फ्रीलांस। फ्रीलांस पर आप, मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ पर मैं आकर कंप्यूटर पाकिस्तान टाइप करूँगा, सॉरी लॉगिन हो जाता हूँ मैं इस पर, और लॉगिन सक्सेसफुल हो गई। देखो एक दो तीन और वेबसाइट्स हैं जैसा कि ओडेस्क, ये भी अच्छी वेबसाइट है बहुत, जो है ना स्किल के बिहाफ पर लर्निंग के लिए। ये देखो यहाँ पर डेटा एंट्री के जॉब्स होम पर आते हैं, ओडेस्क पर भी आप जाकर अपवर्क, ओडेस्क.com लिखना है आपको यहाँ पर, आई होप के ओडेस्क जो है ना अब अपवर्क पर ईलांस ओडेस्क.com नहीं, ओडेस्क वालों ने अपनी वेबसाइट को अपवर्क पर रीडायरेक्ट कर दिया है। ओडेस्क.com सही, ये रीडायरेक्ट हुई हुई, तो उन्होंने अपना नेम चेंज कर अपवर्क पर रख दिया है। अब आप यहाँ पर आकर साइन इन करोगे, वे यू क्रिएट गेट स्टार्टेड, आप बेस्ट और क्लासिकल प्लेटफॉर्म मिलेगा वर्क के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर आकर अकाउंट बनाओगे और अकाउंट बनाकर जो है ना
इर्निंग करना शुरू कर दोगे वर्क बेस पर। हायर का मतलब कोई एम्प्लॉयड से आप हायर करना चाह रहे हो, ऑनलाइन उससे काम करवाना चाह रहे हो। वर्क का मतलब आप खुद वर्क करना चाह रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर बेतहाशा जो है ना, ये देखो इतने यूज़र्स ऑनलाइन बैठे हुए 15,000, और रजिस्टर्ड यूज़र इतने हैं, और प्रोजेक्ट्स इतने अवेलेबल हैं, ठीक है। जो रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं वो 16,000, और प्रोजेक्ट्स हैं मीन्स हर एक जो है ना यूज़र को दो प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। नहीं 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 हर दो प्रोजेक्ट्स यूज़र्स को एक प्रोजेक्ट मिल सकता है यहाँ पर, ओके। कोडेस्क में भी आप जाकर ये यहाँ पर अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बनाकर इनिंग करोगे, ठीक है। और ई लेंस, ये वेबसाइट भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप इस पर भी जाकर इनिंग कर सकते हो, elance.com। इंस्टेंटली तो ये तो हो गया इसके लिए आप पर। अब ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ईमेल के थ्रू जो है ना आप मार्केटिंग किस तरह से करोगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो आपको परचेज करना होंगे, वो सॉफ्टवेयर परचेज कर ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। और ईमेल मार्केटिंग के हिसाब से आप जो है ना, आप कोई प्रोडक्ट सेल करें, वो प्रोडक्ट्स उस ईमेल के थ्रू जो है ना आप सेल कर सकते हो। ये और कंपनीज होती हैं, उनसे आप कांटेक्ट करो, ठीक है, इस लिहाज से। और आपको जो है ना ईमेल मार्केटिंग के भी आपसे कोई अच्छा सा सूटेबल पैकेज ले लो और ईमेल मार्केटिंग करो। अगर आप ईमेल मार्केटिंग करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। आप अगर आपकी कोई उस पर कोई वेबसाइट है यार, वो कह रहे हैं कि ये मेरी वेबसाइट आए, तो उसके लिए जो है ना आप ईमेल मार्केटिंग करो। और फीड रजिस्ट्रेशन कराओ अपनी वेबसाइट के लिए, जो है ना मेंबर्स बनाओ, जैसा कि FB पर बनते हैं अकाउंट्स, YouTube पे अकाउंट्स बनते हैं, इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पर अकाउंट बनवाओ लोगों से, फिर उनके आप जो भी पोस्ट करोगे उनको जो है क्या कहेंगे, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग के लिए सॉफ्टवेयर परचेज कर लो, या कंपनी से कांटेक्ट कर लो, या फीड रजिस्ट्रेशन। फीड रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने ये ब्लॉग बस्टर की एक वेबसाइट खोल दी, और यहाँ पर देखो इसके रीडर्स कितने, 10,774। ये कोई भी पोस्ट करे, ये इसकी जो है ना ऑनर एक लेडी है, अगर वो कोई भी पोस्ट करेगी तो वो पोस्ट उनको ईमेल एड्रेस के थ्रू मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे देता हूँ तो इसकी कोई भी पोस्ट होगी वो मुझे रिसीव होगी, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद जो है ना ये मुझे टाइप करना होगा PIATHPR। अगर आपको कोई वेबसाइट अच्छी लग रही है, आप कह रहे हैं कि उसकी सब्सक्रिप्शन मुझे आए, तो उसकी आपको जो है ना सब्सक्रिप्शन इस ईमेल एड्रेस पर आ जाएगी। लेकिन उस पर ईमेल एड्रेस पर जाकर मुझे क्या करना होगा, इसको सब्सक्राइब करना होगा। मिसाल के तौर पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ आप, जितना सब्सक्राइबर्स बढ़ाओगे फीड बर्नर होता है, ये सब्सक्रिप्शंस आपकी बढ़ गई। अब ये वेबसाइट पर जो भी सब्सक्रिप्शन होगी, सक्सेसफुली सब्सक्रिप्शन कंफर्म हो गई, तो वो जो होगी ना फीड रजिस्ट्रेशन या मेंबर सब्सक्रिप्शंस आप ये बढ़ाओगे, ओके। ईमेल मार्केटिंग का भी काम हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।